का स्वागत है फिर से नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी आप लोग जहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे आप लोग घर के सामने में ही एक पहाड़ है, तो आप लोग को दिखाने वाले थोड़ा जंगल टाइप का है। ये देखिए पहाड़ टाइप का है, वो आप लोग को आगे से दिखाते हैं, ठीक है ना। इस साइड देखिए कितना जंगल है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जंगल है। पहाड़ में बहुत ज़्यादा जंगल होता है, तो अभी तो उसके साइड में ही है अभी फिलहाल, तो अंदर जाने ही वाले हैं और यहाँ से दिखाते हैं आप लोग को जंगल। ये बहुत बड़ा जंगल है दोस्तों, अभी कहाँ कहाँ वो आप लोगों को वीडियो में बताते जाएंगे। सुबह सुबह उठने के बाद जो आप मॉर्निंग टाइम में जो उसका आप परछाई देख सकते हैं, इतना जंगल है, खतरनाक जंगल लग रहा है। और पीछे साइड है वो पहाड़, देखिए मेरा साइड देखिए, थोड़ा लाइट की वजह से आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। अब वहाँ से दिखाएंगे, और मैं तो इधर आया हुआ थोड़ा पहाड़ साइड में, गाँव जाएंगे जहाँ पे हम आए हुए हैं, तो वहाँ पे वहाँ से कितना सटा हुआ है पहाड़, तो आप देखिए वहाँ रोड जो है उसके ऊपर तक पत्थर पत्थर है। इसे लग रहा है कि अगर पहाड़ से पत्थर गिर जाता है ना, गांव में घुस जाएगा दोस्तों, इतना बड़ा पत्थर, इतना बड़ा पत्थर। चलिए दोस्तों आप लोग दिखाते हैं ये जंगल, जंगल के बीच में हमें क्या मिला। देखिए ये कुआँ, और आप लोग बताइए कि दोस्तों यहाँ स्कूल में कौन आता होगा, जंगल में यहाँ कोई पानी नहीं आता होगा, यहाँ पे कोई पार उठाने के लिए घर घर ये बोलते हैं। तो चारों तरफ आप लोग देखिए कैसा जंगल ही जंगल है। तो फिर भी दोस्तों यहाँ पे कुआं है, इसका क्या रीजन हो सकता है यहाँ पे कुआं बनाने का, वो कमेंट में आप लोग बताइएगा जरूर, कि जंगल के चारों तरफ में ही है। और एक भी थे वहाँ पे सामने में वहाँ, जो कि आप लोग को दिखा नहीं पाए, देखिए कितना पत्थर इधर, और बांस का पेड़ भी है, और यहाँ से रास्ता है ऊपर तक। तो दोस्तों अभी हम लोग आए हुए हैं नहाने के लिए जंगल के बीचों बीच में, तो अभी हम लोग यहाँ नहाते हैं और देखते हैं आगे में नहाने का जगह है वहाँ पे, देखते हैं कि क्या है नहाने के लिए। और इधर चलो ले जाते हैं आप लोगों, देखिए ये खंडर बन गया है ये गड्ढा, तो यहाँ हम लोग को नहाना नहीं है, आगे तरफ जाना है। तो पानी का शोर आप लोग को सुनाई दे रहा होगा, तो चलिए देखते हैं वहाँ पे किस तरह से नहाने का जगह है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा तालाब है, तालाब ये है नहीं, नदी है जो यहाँ पे पुल बांधा गया है, तो यहीं पर हम लोग नहाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं इसके नीचे तक। चलिए दिखाते हैं आप लोग, आ चुका हूँ और आप लोग देख लीजिए किस तरह से दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत। ये पीछे साइड का है जो पानी नीचे तरफ गिर रहा है, और मन तो कर रहा था दोस्तों कि वहीं पर जाके ना आए, तो क्या करें दोस्तों वहाँ पर वहाँ पर थोड़ा रिक्स है, इस वजह से वहाँ पर आप नहीं जा सकते। बस आप लोग वीडियो में देखिए अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये दोस्तों प्राकृतिक का चीज़ होता है ना, बहुत सुंदर होता है, पानी बदल पा रहा है बार बार दिख जाएगा। ये दोस्तों गोमो का ही है से दिखाते हैं, और छोटा सा नदी तरफ बहता आया हुआ है पानी, जो कि ऊपर में डैम है, नहाएंगे और वहाँ पे आप लोग को नहीं दिखा पा रहे हैं अच्छा से, क्योंकि वहाँ पे लेडीज भी नहाती है, खूबसूरत नज़ारा है। तो अगर वीडियो पसंद आता है ना तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, और सब्सक्राइब भी करते हैं तो घंटी कॉल नोटिफिकेशन तो नहीं रखते, इसलिए आप लोग घंटी बजा दिया कह रहे हैं। चलिए कोशिश करते हैं वहाँ।
दिखता है तो अच्छा है, तो सामने जो व्हाइट वाला जगह उधर से अगर नाम उतरते ना तो दिक्कत है, उतरने का जगह नहीं है, इसलिए मैंने इस साइड से उतरा और इसके बाद यहाँ पर पहुँचे और फिलहाल दोस्तों भी नहाने के लिए आए, दोनों काम हो जाएगा। चलिए इधर से जाते हैं, सामने से उतरा मान लेते हैं इधर फिर दूसरा शायद यहाँ से अच्छा से देखिए। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कितना खूबसूरत से पानी गिर रहा है, आप लोग ये नीचे की तरफ दिखा रहे हैं देखिए, और मेरे दोस्त लोग वहाँ पे ऊपर में नहा रहे हैं और मैं इधर पीछे तरफ से अपना काम कर रहा हूँ। काफ़ी पुराना हो गया दोस्तों, ये टूट गया है पीछे साइड से, आप देख सकते हैं ये बड़ा बड़ा चट्टान है टूट गया है। मन तो कर रहा था वहाँ से जाने का पर क्या करें दोस्तों, वहाँ से जाने पाएंगे इसलिए देखिए दोस्तों आप लोग एक देख सकते हैं पानी के अंदर में क्या है, चलिए इसको दिखाते हैं आप लोगों को इसे काट जिंदा क्यों हो गया है देखो आप देखिए कितना हो रहा है, पकड़ हाथ लगा देते तो काट देता, उठ नहीं रहा समझ गया होगा कि और हाथ लगाएंगे तो काट दे देते। चलिए दोस्तों हमारा नहाना हो गया है और यहाँ से निकल रहे हैं, वैसे नहाया वैसे बहुत मज़ा आ गया, क्योंकि जैसे अब घर में ही नहाते हैं मतलब कि कुआँ में नहाते हैं चापाकल में नहाते हैं, पर ऐसे नहाए बहुत अच्छा लगा क्योंकि साल में कभी कभार इधर और था पानी से नहाए थोड़ा अच्छा लग रहा है और ये बहुत ही अच्छा था। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकलते हैं अभी फिलहाल, इसके बाद क्या होता है आज का दिन।